हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ द वीक। सो 23 जनवरी वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे और 26 जनवरी रिपब्लिक डे। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डेज ऑफ द वीक। अभी नेक्स्ट है कोरोना वायरस। फ्रेंड्स, मैंने इस न्यूज़ को इंक्लूड किया क्योंकि ये अभी न्यूज़ में बहुत है, और अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता ही होगा मैं रिसेंटली थाईलैंड गई थी। तो मैं जिस दिन वापस आई उसके नेक्स्ट डे से ही वहाँ का थाईलैंड टू गुवाहाटी जो फ्लाइट था वो बंद हो गया है। और सेकेंडली, ये आउटब्रेक ऑफ दिस वायरस, कोरोना वायरस हुआ है। सो कुछ केसेस थाईलैंड में भी देखा गया है। सिंस मैंने एयरपोर्ट में चाइना के बहुत लोगों को देखा था फ्लाइट में, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं टचवुड लकी हूँ कि मुझे ये वायरस का कुछ वो असर नहीं हुआ या कुछ ऐसा केसेस नहीं हुआ। लेकिन जब न्यूज़ में आया कि थाईलैंड में भी कुछ केसेस पाए गए हैं, और जब मैंने वहाँ पे चाइना के लोगों को देखा था, तो आई कुड फील कि जो भी इस माहौल से गुजर रहे हैं उनका कैसा हुआ होगा या कैसे स्प्रेड हुआ होगा। तो मुझे लगा कि ये इंक्लूड करना चाहिए फॉर अवेयरनेस। सो आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस होता क्या है। एक्चुअली ये एक काइंड ऑफ कॉमन वायरस है जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है हमारे नोज, साइनसेस और अपर थ्रोट में। सो अर्ली जनवरी 2020 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया था एक न्यू टाइप ऑफ वायरस, 2019 नोवल कोरोना वायरस चाइना में। और बाय लेट जनवरी क्या हुआ, इस वायरस के इफेक्ट के चलते ऑलमोस्ट 300 केसेस कन्फर्म हुए हैं चाइना में, और अभी कुछ केसेस चाइना के बाहर कुछ दूसरे प्लेसेस में भी पाए गए हैं। मेनली एयरपोर्ट्स में क्या होता है, जब हम ट्रेवल करते हैं वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत कंट्रीज से ट्रेवल करते हैं, और वहीं पे ऐसे वायरस का आउटब्रेक हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो अभी चाइना से दूसरे जगह में भी इस वायरस का ट्रांसमिशन हो चुका है। सो अभी जानते हैं कि ट्रांसमिशन बेसिकली इस वायरस का होता कैसे है। तो जो ह्यूमन कोरोना वायरसेस है वो कॉमनली स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एयर। हम लोग जब कफ करते हैं या स्नीज करते हैं या क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट में आते हैं, जैसे कि किसी भी तरह की टच या सपोज हैंडशेक करते वक्त, तो अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो ऐसा स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से कॉन्टामिनेटेड है इस वायरस से, और अगर हम उस सरफेस के ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के सरफेस को अगर टच करते हैं विद बेयर हैंड्स, और हम अगर हाथ बिना धोए ही सपोज हम अपने माउथ को टच करते हैं या नोज आईज को टच करते हैं, तो ये वायरस ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट इज अबाउट सिम्टम्स। जो जनरल सिम्टम्स है वो है रनी नोज, हेडेक, कफ, सर थ्रोट, फीवर, और ओवरऑल मतलब तबीयत ठीक नहीं रहता है। ये है कुछ जनरल सिम्टम्स। अभी जब इस वायरस के चलते सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो इट में टर्न टू ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया। और जब ऐसे सिचुएशन में कुछ सिम्टम्स है जैसे कि फीवर विच में बी क्वाइट हाई इफ यू हैव निमोनिया, देन कफ विथ म्यूकस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन और टाइटनेस वेन यू ब्रीथ एंड कफ, ये कुछ सिम्टम्स है जबकि इस वायरस के वजह से जब इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया का रूप ले लेता है तो ये सारे सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। और ये पाया गया है कि उन लोगों में जो कि पहले से किसी तरह के हार्ट या लंग डिजीज से मतलब कि गुजर रहे हैं, उनके सिचुएशन में इस वायरस का इफेक्ट बहुत ही सीवियर हो जाता है। और इट ऑल्सो इफेक्ट्स पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम, इन्फेंट्स एंड ओल्डर एडल्ट्स इनमें, और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें भी ये वायरस बहुत जल्दी इफेक्ट करता है और सीवियर हो जाता है इन्फेक्शन। सो अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इस वायरस से। न्यूज में आया है कि चाइना में विद इन 6 डेज वो लोग कुछ हॉस्पिटल वहां पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं इस जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए, इस वायरस से जो लोग सफर कर रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल वो लोग तैयार कर रहे हैं विद इन 6 डेज। आई मीन ये चाइना में ही पॉसिबल है, बट करेंटली देर आर नो वैक्सीन अवेलेबल टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एनी
against this human coronavirus infection. So, ऐसे सिचुएशन में कुछ प्रिकॉशंस जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो है फर्स्ट इज वॉश योर हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स. हमें ऑफन अपने हाथ धोने चाहिए साबुन से फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स. नेक्स्ट अवॉइड टचिंग योर आईज नोज और माउथ विद अनवॉश्ड हैंड्स. हम कई बार इतना नोटिस नहीं करते हैं, मतलब इतना सोचे बगैर ही हम लोग टच करते हैं हमारे आईज नोज या माउथ को बिना हाथ धोए ही. लेकिन ये जो हैबिट है हमारा, हमें उसे चेंज करना है और अवॉइड करना है. मतलब बिना हाथ धोए हमें अपने आईज नोज और माउथ स्पेशली टच नहीं करने हैं. नेक्स्ट अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर सिक. जो लोग बीमार हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो वायरस की वजह से ना ही हो, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस के तौर पर हमें उनसे थोड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. ये थे कुछ प्रिकॉशंस. अभी नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है पॉलीक्रैक, और ये यूज करके एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डेवलप किया गया है. और उसे द ईस्ट कोस्ट रेलवे हैज कमीशन द गवर्नमेंट्स फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. ये है न्यूज में. और ये एनर्जी प्लांट क्या करती है, जो हमारे ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं और प्लास्टिक जो होते हैं, उन्हें लाइट डीजल ऑयल में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली विद इन 24 आवर्स. सो किसी भी तरह का सेग्रीगेशन का जरूरत नहीं है. और ये प्रोसेस मतलब कि बहुत ही इतना टाइम कंज्यूम भी नहीं करता, क्योंकि ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है. और ये न्यूज एक अच्छी न्यूज है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे न्यूज जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट होगा मैंने इंक्लूड किया. फर्स्ट इज जापानीज एनकेफेलाइटिस आजकल बहुत न्यूज में है. जो एडल्ट वैक्सीन है उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हुए कुछ एड्स आते हैं, तो मैंने वही से पिकअप किया. जो जापानीज एनकेफेलाइटिस डिजीज स्प्रेड होती है वो क्यूलेक्स मस्कीटो से होती है. नेक्स्ट इज अबाउट लाइफलाइन एक्सप्रेस. लाइफलाइन एक्सप्रेस एक्चुअली वर्ल्ड्स फर्स्ट 7-coach trained hospital है, और इसका aim है कि जो health care facilities है वो provide करे to the areas even to the remotest parts of India, जो कि बहुत ही remote places है इंडिया में, वहां तक जाकर भी मतलब health care facilities provide करे. ये है aim Lifeline Express का. और ये Lifeline Express अभी पहुंचा है गौरीपुर रेलवे स्टेशन धुबरी में. सो ये न्यूज में था. नेक्स्ट इज अबाउट खेलो इंडिया 2020 मेडल टैली. रिसेंटली ये खेलो इंडिया हो चुका है, तो हाईएस्ट मेडल जिस स्टेट को मिला है वो है महाराष्ट्र. 78 गोल्ड, 77 सिल्वर, 101 ब्रॉन्ज. सो इन टोटल 256 मेडल्स. लोएस्ट है लद्दाख, 0 गोल्ड, 0 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज. सो टोटल 1 मेडल. और असम को मिले हैं 20 गोल्ड, 22 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज और टोटल 76 मेडल्स. ये थे कुछ मेडल टैली. और आज का जो संडे का जो फ्रेश न्यूज है वो है 15 फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गेट पद्मा अवार्ड. ये बहुत ही अच्छी खबर है. सो पद्मा विभूषण कन्फर किया गया है एमसी मेरीकॉम को. पद्मा भूषण कन्फर टू एससी जमीर. देन पद्मश्री अवार्ड कन्फर टू इंदिरा पीपी बोरा, लील बहादुर छेत्री, डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा, जोगेंद्रनाथ फुकन, डॉक्टर रवि कन्नन आर, येशे दोर्जी थोंची, ओइनाम बेमबेम देवी, बेनीचंद्र जमातिया, सी कामलोवा, पू लाल बियाकथंगा पचवाओ, सत्यनारायण मुंडायूर, ट्रिनिटी सयू और तरुणदीप राय. सो इन्हें कन्फर किया गया है पद्मश्री अवार्ड. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. मैंने जितने भी करंट अफेयर्स है वो कलेक्ट किया है असम ट्रिब्यून से और इनसाइट्स आईएएस से. अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा. सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोस में. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.